सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है मेरा YouTube चैनल अमर देसी ब्लॉग में। दोस्तों आज हमारे गांव छपापदर में बस्तर की रियासत राजा कमलचंद बंजदेव जी का आगमन हुआ है गुड़ी वंदन कार्यक्रम में, और राजा जी का स्वागत हमारे गांव के माताएं एवं सम्मान्य सियान सज्जन सरपंच कोटवार पटेल सभी लोग यहां पे आए हुए हैं, और राजा जी का फेर दुलाकर जो है स्वागत संस्कार किया जा रहा है। महाराजा कमलचंद बंजदेव के आगमन पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और समस्त माताएं बहनें यहां पर भारी संख्या में राजा जी को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अभी राजा जी गुड़ी पूजन करके हमें कुछ आशीर्वचन जो है संबोधित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, दिखाते हैं आगे का झलक। क्योंकि हमर देश आजाद हो 1947 में तारले पहले कौन चलेला हमर बस्तर के हमर राजा और कसन चलेला हमर बस्तर जिला ने। अब तक जातिर लोग आचु, कई प्रकार जातिर लोग आचु आचु सबू जातिर समाज लोग के जोड़ी करी हमर बस्तर के बाचेला। हमर देश 1600 बरस गुलाम रहे बोल सांगुआ आक्रमण हुई रहे ताके बोले हमर राजा रोकी करी हमर बस्तर के बाचेला। अंग्रेज सरकार चलला, अंग्रेज शासन बेला मेरा आय अंग्रेज शासन के बल लड़ाई लड़ी की हमर बस्तर के बचाई लई, और हम अंग्रेज लड़ाई के नाम पर लोग राजा से 1966 के बले सरकार बनला हमर देश आजाद होले बाद में लिखने सरकार हमर बस्तर जल जंगल जमीन के एके बले बिकबा के कोशिश करत रहे बाकी के हमर लोग लड़ाई लड़ले और सरकार नीति विरोध में जैसे हमर बलुआ के जल जंगल जमीन हमर है, जल आने पानी जंगल आने जमीन आने जमीन हमर है बोलती बलुआ ये के बोले। जहन हैदराबाद निजाम के सरकार ये जो पहला जिला हतार बाद ने जब राजा सरबा के हमर बस्तर खराब हो और आई मलेस कर में बाहर रही के तार कारण ने हमर जनसंख्या खत्म हुई थी बस्तर ने। दूसरा जब अंग्रेज शासन बरस पहले बनाए रहे अड़क लई थी बामन मारवाड़ी बाहरी लोग नारो लय हमर बस्तर लोग रहू बारसूल ने 1000 वर्ष ले पहले बारसूल ने गणेश मूर्ति आचे बस्तर लगे नारायण पाल ने गणेश मूर्ति आचे और बस्तर जिला ने जगह कई जगह शिव मंदिर गणेशर मूर्ति के चौके में ये तार मतलब हमर लोग सनातन काल ले हमी हिंदू परंपरा के मानते रहो। यही काचे रामायण ने दंडकारण्य क्षेत्र बनवाते रामायण ने जो लिखा आचे दंडकारण्य क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र क्यों क्यों बदला एक इक्ष्वाकु बलि राजा रहे तार बेटा दंड रहे दंड नाम ने एक क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र पड़ला और भगवान राम 14 साल वनवास काल ने बस्तर में 12 साल रहे बुलवा है का चावर बस्तर लोग बलि राम अंतुराम संतुराम मंतुराम भूति राम आयतुराम पाई को राम नाम मन तुम के सुनने के मिर्सी आकार पीछे राम लगा रहे तो। लेकिन आजकल कुछ लोग बोले देखे नाम आके नाम जबकि अमरता ने ईसाई आसी करी हमारे गाँव और देव के नाम से
हमर दत्तेश्वरी के नाम आ रहे हैं, हमर गांव नवाखाई के नाम नवाखाई परंपरा के छाड़े चीज है, आगे कोनी ना विरोध करे। तो यही कारण ने हमर बस्तर अशांत हो चीज है, आएवा समय ने झगड़ा लड़ाई मारपीट हो। और एक चीज मैं तुमके संग बार चाहिए छी, हमर सरपंच दादा बसला आज मुई बोले सरपंच नहीं मोर गर्मी थी सरपंच रे दुया सरपंच संग अध्यक्ष रे सरपंच हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो या कोई बल पद 5 साल ले ज्यादा दोबारा आए के सके कोई गारंटी नहीं। विधायक बोले आज आज कालिक ना रख सके, प्रधानमंत्री आज आज कालिक ना रख सके, लेकिन हमारा राजा व्यवस्था जो ना है, राजा बेटा राजा ही हुआ है, पुजारी बेटा पुजारी हुआ है, पटेल और बेटा पजर पटेल हुआ है, ये हमार सामाजिक व्यवस्था ही हमार देश के बचाएगा। जब 1947 पहले हमार देश ने विधायक नारे सांसद नारे प्रधानमंत्री नारे, लेकिन फिर भी बस्तर के बाहरी लोग कई करके ना सकते नशे के ना सकते।